अफगानिस्तान के खिलाफ पहले T20 मुकाबले के लिए पाकिस्तान की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी का हुआ ऐलान। पहले T20 में छक्कों की बारिश करने मैदान पर उतरेंगे पाकिस्तान के दो धाकड़ खिलाड़ी। जी हां दोस्तों, आखिरकार अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले के लिए कैसी है पाकिस्तान की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी, साथ ही कौन से है वो दो धाकड़ खिलाड़ी, बताएंगे आपको सब कुछ आज के इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग खत्म होने के बाद अब पाकिस्तान टीम अब एक्शन में नजर आने वाली है। पाकिस्तान टीम को अफगानिस्तान के साथ अब 3 मैचों की T20I सीरीज में भिड़ना है, जिसके लिए पाकिस्तान की टीम अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी है। सभी खिलाड़ी अब टीम के साथ जुड़ने लगे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये 3 मैचों की T20I सीरीज 24 मार्च से शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि इस T20 सीरीज में पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जैसे खिलाड़ी नहीं होंगे। ऐसे में पाकिस्तान की टीम एक नई सलामी जोड़ी के साथ मैदान पर उतरेगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले इस T20 सीरीज में ज्यादातर युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। ऐसे में टीम एक धाकड़ ओपनिंग जोड़ी के साथ मैदान पर उतरने वाली है। हालांकि आपको बता दें कि अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाली इस T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान की स्क्वाड में 3 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज मौजूद हैं, जिसमें सईम अयूब, मोहम्मद हारिस और तैयब ताहिर का नाम शामिल है। आपको बता दें कि पहले T20 मुकाबले में मोहम्मद हारिस के साथ हमें सईम अयूब पारी की शुरुआत करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि मोहम्मद हारिस के साथ तैयब ताहिर पारी की शुरुआत भी कर सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मोहम्मद हारिस के साथ सईम अयूब और तैयब ताहिर में से किस खिलाड़ी को पारी की शुरुआत करने का मौका मिलता है। दोस्तों इस पर आप भी अपनी राय जरूर दें, आपके हिसाब से मोहम्मद हारिस के साथ सईम अयूब और तैयब ताहिर में से किस खिलाड़ी को पारी की शुरुआत करने का मौका मिलना चाहिए, आप अपनी राय नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।